यहाँ देखिए, जब मैं बात करूँ ए वाला जो क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन हो गया था, और आठवां क्वेश्चन देखिए भाग टू में, फर्स्ट जो वीडियो थी इसमें फर्स्ट भाग में साथ तक करा दिया। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हैकर को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख जाइए, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर लिंक मैं दे दूंगा, आई बटन पर लिंक दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का, ठीक है ना, उस पर टच करके आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी का, ठीक है ना, भाग टू को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये जो रिएक्शन यहाँ बी प्राप्त होगा वो देखिए बेंजलाइट प्राप्त होगा, क्या बेंजलाइट, तो यहाँ रखता बी डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जो बोला जा रहा है देखिए एक बार है, कौन कैरिजारो अभिक्रिया है, जी हाँ कौन कैरिजारो अभिक्रिया है वो बताना है आपको, जी हाँ बिल्कुल, जो उसमें अभिक्रिया होती है वो होती है देखिए HCOH में, HCHO है, ठीक है ना, HC और HO, ठीक है ना, HCHO, मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ राइट है। यहाँ बात करें कीटोन का ऑप्शन जो अपचयन पर बनता है, तो कीटेन के अपचयन पर क्या चीज़ बनता है आपको बताना है, कीटेन है उसके अपचयन पर क्या बनता है, जब अपचयन किया जाए कीटेनों का तो क्या बनेगा, ठीक है ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, यहाँ आपका ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद में यहाँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स की बात वैल्यू बताना है, यदि देखिए यहाँ ये चीज़ है और ये है फिर ये है, ठीक है, उन तीनों जब क्रिया करते हैं तो एच क्या प्राप्त होगा यहाँ बता देना, सिंपली देखिए C6H5CHO प्राप्त होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं, ये सिंपली उठा के यहाँ रख देना है, ओके। यहाँ देखिए HCl तो बाहर निकल ही रहा है, ये तो बताएं आपको। उसके बाद में कह रहा है यहाँ देखिए, उसके बाद में संतुलित भी करना पड़ेगा वो, ठीक है, और COH एक एच यहाँ से लेना पड़ेगा, दो एच फिर इसे संतुलित करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके बाद किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना, बेंजलीहाइड है उसकी जो अभिक्रिया नहीं होती, वो किससे नहीं करती वो आपको बता देना है। यहाँ आपको जो बात करें ये तो आपको बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको ये देख लीजिए यहाँ आपको आपको क्या करना है, ये कौन सी अभिक्रिया आपको बता देना है, ठीक है ना, तो आपकी जो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका जो अभिक्रिया जो कौन सी अभिक्रिया तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे कम क्रियाशील बता देना है, सबसे कम क्रियाशील क्या होता है, C6H5CHO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टायरीन और क्रोमिल जो आपका क्रोमिल क्लोराइड के साथ यदि ऑक्सीकृत होकर बेंजिल हाइड्राइड देता है, ठीक है ना, बेंजिल हाइड बनाता है देती है, तो ये क्रिया कौन सी होती है, ये कौन सी क्रिया कहलाती है आपको बता देना है, एल्डिहाइड रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, ये क्वेश्चन को देखिए, यह आपको रहा है एलिनिन को जब क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक जो एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म किया जाता है या बंद के साथ करके गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपको बता देना है, तो आपको देख सकते हैं फाइनल जो सी ऑप्शन यहाँ राइट है फाइनल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ बात करने वाले जो यौगिक है सबसे अधिक यौगिक कंपाउंड जो फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक है, तो आपको बता देना है सबसे क्षारी होता है बेसिक, ठीक है ना, तो यहाँ बताना है तो बेंजोलिन में होता है, वेंजलिन होता है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ बहुत बात करने वाला है एलिलीन सोडियम और CR फिर O7 और H2SO4 के साथ अक्षकृत होकर क्या देता है आपको बता देना है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ तो बोला जा रहा है निम्न से कौन सा अभिकर्मक एलिलीन के साथ क्रिया नहीं करता, तो क्रिया नहीं करता है वो आप देख लेना है, अमोनिया नहीं करती है। यहाँ देखिए निम्न से कौन सा यौगिक सबसे कम क्षारीय होता है आपको बता देना है, सबसे कम क्षारीय होता है तो आपका सी ऑप्शन राइट है, ये कम सबसे कम क्षारीय होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, निम्नलिखित से कौन सा अभिकर्मक एलिनिन बेंजीन और डाई जो एंजोलियम क्लोराइड है उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आप देख सकते हैं Na और Na2+HCl बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लैक्टिक अम्ल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है आपको बता देना है, लैक्टाइड प्राप्त होता है, ये ऑप्शन राइट है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ सिंपली पूछा गया है कि जो निम्न से समूह से अभिक्रिया जो जल से अभिक्रिया करके करके अमोनिया बनती है, बताइए अमोनिया देता है जल से अभिक्रिया करके क्या चीज़ है जो अमोनिया देता है, ठीक है ना, जल से क्रिया करके कौन सा अमोनिया देता है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ज्योतिमय समवयता के प्रदर्शित करता है आपको बता देना है, 2-ब्यूटेन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ कौन सा यौगिक प्रकाशीय समवयता प्रदर्शित करता है आपको बता देना है, आदर्श देश सभी हैं, लैक्टिक एसिड वैक्सिक और सभी जो होते हैं, यहाँ तीन ऑप्शन राइट है। अब यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ, इसके लिए आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्न से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है, सबसे अधिक क्षारीय की बात करने वाले हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ राइट है, कौन सा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिक अम्ल है आपको बता देना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी है, राइट ऑप्शन सी है, ठीक है ना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कार्बनिक अम्ल है आपको बता देना है, तो फाइनल जो फिनोल होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है, आपको ये बता देना है।
और हमारी लाइकी पर अभी फॉलो कर सकते हैं, लाइकी पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइकी और टिकटॉक पर हमें फॉलो करिए, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहाँ हमें फ़ैन हो जाइए फटाफट, वहाँ फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला देखते, इसका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट है, जो आपकी कैटिनॉल है वो ए ऑप्शन राइट है कैटिनॉल का। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये देखिए निम्नलिखित से कौन सा जो अभिकर्मक है वो आयरीन से बेंजीन डाई बेंजो क्लोराइड बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये है वो, तो ये हो गया है ना, ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये वाला रह गया था, ये देखिए ये आपका ए ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ कह रहा है जो बीटा अमीन एसिड होते हैं उनको जब हीट किया जाता है तो क्या चीज़ देते हैं, तो आपको बता देना है, तो ये आपका जो राइट है वो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट है, सॉरी बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि जो बेंजीन हेक्स क्लोराइड है उसे कौन सा आइसोमर, जो आइसोमर गैमेनेसिस बनता है, तो आपको बता देना है, तो यहाँ वो बनता है तो आपको देखना है सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, गामा आइसो आइसोमर बनता है। यहाँ देखिए इस रिएक्शन में सी की बजाय पे आप प्राप्त होगा, तो आप देख रहे हैं मिथाइल, आपको ये देखिए सी ऑप्शन राइट है यहाँ, ठीक है ना, मिथाइल साइनेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ बात की जाए बेंजीन अमीन होते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ राइट है आपका, ठीक है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, सबसे अधिक क्षारीय होता है, सबसे अधिक क्षारीय होता है वो पी होता है, नाइट्रो एनिलीन, ठीक है ना, पी नाइट्रो एनिलीन होता है, सॉरी यहाँ डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, नहीं यार यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन राइट है, यहाँ धोखे में उन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए एनिलीन होगा, ठीक है ना, अधिक क्षारीय होगा तो एनिलीन होता है। यहाँ देखिए इन टी एन टी, जी हाँ क्या होता है आपको बता दे रहा है, 3NO2 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा विस्फोटक पदार्थ है आपको बता देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ डी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। और यहाँ देखिए बात करें कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस पर हो दे पर देता है क्या चीज़ देता है, तो आपको बता देना है, यहाँ भी आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी प्रकार से सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए कैने शुगर होता है, तो आपको देखिए आपका जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, ये देख लीजिए, इसको 25 का आंसर बताएं तो आपको ये है ए ऑप्शन राइट है। तो मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ देख सकते हैं, तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे, इसका भी बी, यह इसका बी ऑप्शन राइट है, और बस वीडियो शायद ख़त्म हो चुकी है मुझे लगता है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। और आपको देखिए थर्ड पेपर की लेके आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिए, गुड बाय।